ऐसा लगता है कि अब इंडिया में क्यों कॉमर्स का बबल बस्ट होता जा रहा है, क्योंकि जहां रिलायंस जियो ने जियो मार्ट एक्सप्रेस की शुरुआत की थी मार्च 2022 में, जिसमें वो कंपनी 90 मिनट में अपनी डिलीवरी कर रही थी, वो सर्विस कंपनी ने अभी रिसेंटली बंद करने का अनाउंस किया है अपने भारी लॉसेस को देखते हुए। इसके साथ ही ओला डैश ने भी ओला स्पीडी डिलीवरी वेंचर भी जून 2022 में बंद कर दिया। वहीं डुंजो, जिसमें रिलायंस ने करीब 25% स्टेक एक्वायर किया था जनवरी 2022 में, वो कंपनी भी अभी अपने क्विक सर्विस डिलीवरी में काफी मुश्किल में फंसती जा रही है, क्योंकि कंपनी के लॉसेस बढ़ रहे हैं, जिस वजह से कंपनी ने सिंगल डिलीवरी छोड़ के अब ग्रुप डिलीवरी पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे क्या है सच क्विक डिलीवरी का भारत में, और क्या भारत में आने वाले समय में क्विक डिलीवरी पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो क्विक कॉमर्स स्टार्टअप वो होते हैं जो कि आप अगर कोई भी ग्रोसरी या एसेंशियल आइटम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर के 20 मिनट के अंदर ही कंपनियां आपको ऑर्डर आपके घरों पे डिलीवरी करा देती हैं। इन सामानों को कंपनियां अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करती हैं, जिसे हम डार्क स्टोर भी बोला करते हैं, और इसको स्ट्रेटेजिकली सिटी के सेंटर में एस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे कि कोई भी अगर ऑर्डर आया तो सिटी के बीच में रहने की वजह से ये तुरंत जाके डिलीवरी 20 मिनट के अंदर कर दिया करते हैं। कोविड के बाद साल 2021 में क्विक कॉमर्स इंडिया में काफी ज्यादा हाइप पे था, जहां अगर 2021 में देखो तो इन कंपनीज को करीब $1.9 बिलियन की फंडिंग्स मिली, जिसके बाद कंपनियों ने बहुत सारे राइडर और बहुत सारे डार्क स्टोर एस्टेब्लिश करना इंडिया में शुरू किया था। और यहां कंपनी से उन कस्टमर्स को टारगेट करना शुरू किया जो कि कोविड के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से बचना चाहते थे। इसमें मई 2021 में जेप्टो एक पोस्टर बॉय की तरह आया, जिसने आते ही एक सालों के अंदर अपना $900 मिलियन का वैल्यूएशन बना लिया था। लेकिन 2022 के एंड आते आते अब कंपनियां मुश्किल में आने लगी हैं, क्योंकि यहां पे लगातार कंपनियों के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, कंपनियों को फंडिंग मिलना अब लगभग एकदम खत्म सा हो चुका है, और इसके साथ ही मार्केट में अब कंपटीशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से कुछ कंपनीज ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए, अपने डार्क स्टोर्स बंद करके अपने एम्प्लॉयज को फायर भी कर दिया है। अगर हम साल 2020 में देखें तो यहाँ पे $0.26 बिलियन की फंडिंग मिली थी क्विक कॉमर्स को, 2021 में ये $1.95 बिलियन के हाई पे था, और 2022 में फंडिंग गिरकर $1.49 बिलियन हो गया, और 2023 में अभी हम देखें तो इंडिया में फंडिंग लगातार गिरती जा रही है। भाई क्विक कॉमर्स में तो और भी ज्यादा कम फंडिंग हो रही है, लेकिन अभी अभी हम साल 2023 में देखें तो कुछ कंपनियां इसमें काफी इंटेंसली फाइट करने की कोशिश कर रही है। अगर हम जेप्टो को ही देखें तो 2021-22 में उन्होंने जो भी फंडिंग किया था उसको कंपनियां बार बार इन्वेस्ट करती जा रही है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सके। इसके साथ ही इंडिया में फूड डिलीवरी के बॉस स्विगी और जोमेटो अपने ब्लिंकिट और अपने इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू इस मार्केट को और ज्यादा इंटेंसली कंपटीटिव बनाते जा रहे हैं। वहीं टाटा का बिग बास्केट, जिसका क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है बीबी नाउ, इनका भी यही बिलीव है कि आने वाले टाइम में क्विक कॉमर्स और ज्यादा अपने राइस पे होगा, इसीलिए ये भी इस मार्केट में काफी बड़ा फाइट कर रहे हैं। वहीं अगर हम रेडसीर के सर्वे को समझने की कोशिश करें तो जहां इंडिया का क्विक कॉमर्स मार्केट करीब $300 मिलियन का था साल 2022 में, वो 2025 तक बढ़कर करीब $5.5 बिलियन का हो जाएगा। और इस सर्वे का ये भी कहना है कि भले इंडिया में अभी मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन हो, लेकिन आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा राइज देखने को मिलने वाला है। ऊपर ऊपर से हमें अगर दिखाई देगा तो ये मार्केट काफी ज्यादा मुश्किल में है, जहां पे कंपटीशन इंटेंस है, जहां पे फंडिंग नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम इसको क्लोजली वॉच करेंगे तो इस मार्केट से भी वही प्लेयर बाहर हुए हैं जिन्होंने अपने डिलीवरी और अपने स्टाफ पे काफी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे कि अगर हम ओला डैश को देखें तो ना ही इनकी सर्विस अच्छी थी और ना ही इन्होंने डिलीवरी ऑन टाइम किया, जिस वजह से ये मार्केट से बाहर हो गए। लेकिन कुछ कंपनियों को ऐसा लगता है कि 2025 तक हम मार्केट में काफी ज्यादा अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके होंगे और तब जाके हम एक अच्छा खासा इंडिया में प्रॉफिट जनरेट करेंगे, जिस वजह से बहुत सारी कंपनियां अभी भी फाइट कर रही हैं। अगर हम भारत के क्विक कॉमर्स को देखें तो यहाँ पर डिलीवरी में प्रॉफिट निकालना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर कंपनीज को बहुत सारे डिलीवरी के ऑर्डर आते हैं तो कंपनियां यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनियों को कुछ चीज देखने की जरूरत है, जैसे कि वो जो उनका डार्क स्टोर होता है वहां पे वो मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम ग्रोसरी के आइटम्स रख सकें। इसके साथ ही जैसे ही ऑर्डर आए डिलीवरी मैन इतना एफिशिएंट हो कि वो क्विकली जाके डिलीवरी कर सके, ये सब कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली कंपनीज को यहाँ पे देखना पड़ेगा, जिस वजह से वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जा सकते हैं। और अगर कंपनियां पर डिलीवरी पे देखेंगी तो वहां पे प्रॉफिट रेस करना काफी मुश्किल है, जिस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे डुंजो भी अब ग्रुप डिलीवरी पे फोकस कर रहा है, क्योंकि अगर कई सारे एक साथ ऑर्डर आते हैं और उनको डिलीवरी मैन देने जाता है तो वहां पे कंपनी को लॉस नहीं होगा। अगर हम जेप्टो को समझे तो यहाँ पे मुंबई के रहने वाले आदित्य ने अपनी स्टैनफोर्ड के जॉब छोड़ के अपने एक क्लासमेट के साथ मिलकर जेप्टो की शुरुआत किया था, और अगर उनके पहले साल का टोटल रेवेन्यू देखें तो वो करीब 142 करोड़ है। वही कंपनी का अगर हम लॉस देखें तो वो करीब 390 करोड़ रुपया था पहले साल का ही। लेकिन इस इंडस्ट्री में हमको सबसे ज्यादा लॉस में डुंजो दिखाई देती है, क्योंकि अगर इनका फाइनेंशियल ईयर 21 का रेवेन्यू देखें तो वो सिर्फ 29 करोड़ था, लेकिन लॉस इनका 229 करोड़ का था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 22 में इनका टोटल रेवेन्यू था 68 करोड़ का, लेकिन इनका लॉस था 464 करोड़ रुपए का। वहीं अगर हम जोमेटो के प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट को देखने की कोशिश करें तो इनका फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर थर्ड का रेवेन्यू 301 करोड़ है और क्वार्टर टू का रेवेन्यू करीब 142 करोड़ ही है।
तो दोस्तों अब हमें समझना होगा कि हम अपना डार्क स्टोर या फिर अपना ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर कैसे ओपन कर सकते हैं और उसको प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनीज तो प्रॉफिटेबल है नहीं। रीजन उसका सबसे बड़ा है कि ये कंपनियां पूरे लार्ज स्केल पे ऑपरेट करती हैं। अगर हम यहां पे देखें, अगर आप एक छोटा डार्क स्टोर किसी एक सिटी में खोलते हैं और आप हाइपर लोकल डिलीवरी करते हैं, मतलब इसका यह है कि आप अपने आसपास के लोकल एरिया में डिलीवरी करते हैं, तो आप बहुत इजीली इसको प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जेप्टो को देखें या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनीज को देखें, तो इनके पर डार्क स्टोर करीब 12 से 14 महीनों के अंदर ही प्रॉफिटेबल हो जाया करते हैं। वही अगर आप एक नॉर्मल ग्रोसरी शॉप खोलते हैं, तो उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए आपको 18 महीने से लेकर 24 महीने तक लग जाते हैं। अब ये कंपनीज अपने डार्क स्टोर में करीब 1500 से 2000 प्रोडक्ट रखा करती है। अब इन प्रोडक्ट्स का भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास 1500 प्रोडक्ट्स में वही प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि एसेंशियल ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो या फिर एसेंशियल कोई ऐसे आइटम हो जो लोगों को डे टू डे नीड में जरूरी हो। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, आपको रेंज ऑफ प्रोडक्ट रखना है, मतलब आपको सस्ता प्रोडक्ट भी रखना है, आपको महंगा भी रखना है। तभी क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ज्यादा कस्टमर आएगा तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, जब ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो आप मल्टीपल डार्क स्टोर्स में अपना बिजनेस लेके जा सकते हैं। यही इसका सीक्रेट है, इस बिजनेस मॉडल का। अब एक और तरीका है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अपने डार्क स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर पे अट्रैक्ट करने का। सबसे बढ़िया तरीका ब्लिंकिट ने यूज किया था, जैसे कि दिवाली के समय में वो ऑनलाइन दिया भी बेचने लगे थे। अब वो कस्टमर जो कि कभी भी ब्लिंकिट नहीं यूज करता था, उन्होंने दिया ऑनलाइन ऑर्डर किया। अब जब एक बार कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसको ये कंपनी ऑफर देती है, फिर दूसरी बार भी ऑफर देती है। जब 2 से 4 बार कस्टमर ऑर्डर कर लेता है तो वो उसकी एक हैबिट फॉर्मेशन होने लगती है और उसी का फायदा ये कंपनियां उठाती हैं। अब अगर आपने मल्टीपल टाइम ऑर्डर कर लिया है इनसे, तो यहां पे आपकी एक आदत हो जाएगी, फिर आप ऑनलाइन ही ऑर्डर करना शुरू करेंगे। अब यही पर्टिकुलर तरीका आप अपने भी ऑनलाइन स्टोर में कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर एक और देखें तो हम होली का जब टाइम आया था तो आप ऑनलाइन हर्बल कलर्स बेच सकते थे, जिस वजह से जो नए कस्टमर होते आपके सिटी में वो आपके ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर तक आते, उनको डिस्कवर करते, फिर उसके बाद वहीं से ऑर्डर करते हैं। यहां पे एक और मिथ बहुत बड़ा आपको ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में मिलेगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कि मतलब आपको एक ऑर्डर में कितना एवरेज लोग ऑर्डर कर रहे हैं। यहां अगर हम जेप्टो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखें तो वो है करीब 400 रुपए, ब्लिंकिट का है 553 रुपए और जो स्विगी का इंस्टामार्ट है उसका है 400 रुपए। लेकिन दोस्तों ये एक मिथ है, क्योंकि एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर आप 1000 रुपए का आप सफोला ऑर्डर करते हैं ऑयल, तो 1000 रुपए के सफोला ऑयल में आपको सिर्फ 3 से 4% का मार्जिन बनता है, क्योंकि ये एक FMCG प्रोडक्ट है। अब वहीं अगर आप 300 रुपए के खाली फ्रूट्स कोई ऑर्डर करता है तो वहां पे आपको 35 से 38% तक आप अपना मार्जिन बचा सकते हैं। तो यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना भी बड़ा वो मैटर नहीं करता है, आदमी प्रोडक्ट कौन सा खरीद रहा है वो मैटर करता है। अगर फ्रूट वेजिटेबल है तो वहां पे आपको मार्जिन ज्यादा बच जाएगा, अगर FMCG प्रोडक्ट है तो वहां पे मार्जिन बड़ा ही कम है। तो यहां पे आप कस्टमर को बांध सकते हैं उनके डे टू डे नीड की चीजें जो ऐसी हैं, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, उनको नॉर्मल मीट की डिलीवरी चाहिए, इन सब चीजों में आप ज्यादा कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं और वहां पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। अब यहां सिर्फ आप इतनी ही बातें सुनकर अपना डार्क स्टोर मत ओपन कर लीजिएगा, यहां पे कुछ और इसके सीक्रेट्स भी हैं। जैसे कि जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करते हैं, जो आप सोर्सिंग कर रहे हैं, वहां से लेकर कस्टमर तक आपको यह देखना है कि आप वही प्रोडक्ट खरीदें जो कि आपका 1 महीने के अंदर बिक सके। क्योंकि अगर आप अपने डार्क स्टोर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रखे हैं जो कि 1 महीने तक नहीं बिकता है तो वो आपके लिए वेस्ट ही है। यहां पे आपको यह समझना होगा कि मेरा कस्टमर बाई क्या करता है, वही प्रोडक्ट मुझे अपने डार्क स्टोर के SKU में मेंटेन करना है। और इसी को कहते हैं डार्क स्टोर की डिसिप्लिन, क्योंकि सोर्सिंग से लेकर कस्टमर के डिलीवरी तक आपको हर समय यह माइंड में होना चाहिए मेरा कस्टमर परचेस क्या करना चाहता है, वही प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीद के रख लेते हैं जो आपके डार्क स्टोर में नहीं बिकते हैं तो वो आपका स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा और वो आपका सेल भी नहीं होगा और आपका यहाँ पे कुछ पैसा भी फंसा हुआ है, जिस वजह से आप ओवरऑल लॉस में रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप अपना खुद का एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप हमको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए वेबसाइट और ऐप बिल्ड करके दे सकते हैं, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करिए, कस्टमर ऑर्डर करेगा आपको ऑनलाइन, वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा और उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट अपने डिलीवरी मैन के थ्रू जाके कस्टमर के घरों पे डिलीवरी कराइए, जैसे कि ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑपरेट किया करते हैं। ये बड़े प्लेटफॉर्म इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते क्योंकि ये मल्टीपल सिटीज में ऑपरेट करते हैं। अगर आपको इस मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको हाइपर लोकल डिलीवरी करना होगा, मतलब इसका ये है कि आप अपने नियर बाय रेंज में प्रोडक्ट अपना सेल करिए। आप अपने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट सेल करते हैं तो यहां पे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब इस डार्क स्टोर के मार्केट का एक और बड़ा सीक्रेट है, जैसे कि आप देखेंगे कि ब्लिंकिट ने करीब 500 ब्रांड से कोलैबोरेशन कर रखा है। इसका मतलब यह है कि उस सिटी में मिलने वाले ऐसे प्रोडक्ट जो कि लोगों को बहुत पसंद है वो चीजें भी वो लोग ऑनलाइन बेचा करते हैं। अब जैसे कि आप जहां भी रहते हैं उस एरिया में कुछ नमकीन बना करते होंगे या कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो लोग आसपास के तो खरीदते होंगे लेकिन उनकी ब्रांडिंग नहीं हुई है, वो बड़े ब्रांड अभी नहीं बने हैं क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट बेचना उनको नहीं आता है, तो आप अपने डार्क स्टोर पे अपने ऑनलाइन स्टोर पे आप उसको लिंक कर लीजिए।
जिस वजह से आप उसको ऑनलाइन दिखा पाएंगे। अब उसमें जैसे जब सेल आएगी तो आप उससे कुछ परसेंट कमीशन चार्ज कर सकते हैं। यही काम मॉल भी किया करता है। आप अगर मॉल में देखेंगे तो बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनकी ब्रांडिंग नहीं हुई है, वो मॉल में अपने प्रोडक्ट रखवा दिया करती है। अब जब भी वो प्रोडक्ट बिकता है तो उसके 10-20% का कमीशन यहाँ पे कंपनीज को मिल जाया करता है। यही काम आप अपने भी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में कर सकते हैं कि आपके एरिया या आपके सिटी में जो भी स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको लगता है कि ये वर्दी प्रोडक्ट है कस्टमर के लिए, वो प्रोडक्ट आप अपने साइट पर लिस्ट कर दीजिए। उसकी सेल आती है तो आप उससे 10-20% कमीशन उस कंपनी से या फिर जो भी वो प्रोडक्ट बनाता है उससे आप चार्ज कर सकते हैं। ये एक विन-विन सिचुएशन हो जाएगी दोनों के लिए, क्योंकि आपके तो ऑनलाइन स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है तो आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर वो प्रोडक्ट बिकते हैं तो उनकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका रेंज ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, और अगर सेल आती है तो कमीशन आपको भी मिलेगा, रेवेन्यू उनके लिए भी जनरेट होगा। तो ये सबके लिए विन-विन एक सिचुएशन होता है और सारी कंपनियां ये किया करती हैं। तो आप भी अपने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में ये तरीके कर सकते हैं। अब अगर आपको भी अपना ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बनवाना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना आप ग्रोसरी स्टोर ऑनलाइन बनवा सकते हैं। हमें मार्केट की नॉलेज है जिस वजह से हम एक बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट में बेटर प्राइस भी मिलता है या आपका कोई ऐसा नोन पर्सन है आप उसके थ्रू भी जाके बनवाइए। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आपका एक ग्रोसरी स्टोर है तो आप उसको ऑनलाइन जरूर लेके आइए, क्योंकि फ्यूचर बिल्कुल ऑनलाइन होने वाला है। ये कंपनियां क्या टारगेट कर रही है कि आपकी पूरी आदत चेंज कर दे। जैसे कि जो भी आपका नियर बाय नेबरहुड में आपका ग्रोसरी स्टोर है वहां पे आप जाके न ऑर्डर करें, बल्कि ये कंपनी आपको 10 मिनट में आपके घरों तक डिलीवरी कर दे। और आप 2025 तक ये देखेंगे कि आप अपने नेबरहुड में जाके मोस्टली लोग ऑर्डर नहीं कर रहे होंगे, वो लोग मोस्टली ऑनलाइन ही मंगा रहे होंगे। आप गुड़गांव, मुंबई या फिर जितने भी बड़े सिटीज है या बैंगलोर में जाके आप देख लीजिए कि लोग अब 10 मिनट वाले डिलीवरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये चीजें अब ग्रोसरी स्टोर को समझना होगा, आने वाले टाइम में या तो वो मार्केट से खत्म होने लगेंगे या फिर वो अपने आप को इनोवेट कर लें, अपने आप को ऑनलाइन लेके आए और खुद का एक ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च करें जिस वजह से वो भी फ्यूचर के मार्केट में एक स्टैंड कर पाए। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंडिया के जो क्विक कॉमर्स स्टार्टअप हैं ये कभी प्रॉफिटेबल हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इसको हमें इंडिया के फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से समझना होगा, क्योंकि ये उससे कुछ कुछ लिंक है। जैसे कि आज हम देखें तो इंडिया में दो ही बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, एक है जोमेटो, एक है स्विगी। और 2015 में अगर हम जाके देखें तो इंडिया में कई सारे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म आ रहे थे, जैसे कि यहाँ पे उबर भी अपनी फूड डिलीवरी कर रहा था या कई सारे और बड़े प्लेयर थे जिसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है कैसे वो मार्केट से बाहर हो गए। तो जब बहुत सारे प्लेयर्स थे उनके बीच में एक फाइट होती है, फिर कुछ प्लेयर एंड में बच जाते हैं। यही अभी इंडिया में सिनेरियो चल रहा है क्विक कॉमर्स में भी। अभी 5-6 बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। जैसे कि हम मार्केट शेयर के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर है टाटा का बिग बास्केट 37% मार्केट शेयर के साथ। उसके बाद amazon.in है 15%, फ्लिपकार्ट है 12%, ब्लिंकिट है 11%, जियो मार्ट 5%, स्विगी इंस्टामार्ट है 4%, जेप्टो का मार्केट शेयर जिसका इतना बड़ा हाइप है उसका सिर्फ 1% है। इसके अलावा अदर प्लेयर्स जो छोटे छोटे हैं वो 15% है। तो आपको ये समझना होगा कि आने वाले टाइम में आपको देखेंगे या फिर ये कुछ कंपनियों को खरीद लेंगी, बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को हमेशा खा जाती हैं, यही होने वाला है। और उसके बाद 2-3 प्लेयर बचेंगे, लेकिन इस मार्केट में बड़ा प्लेयर जरूर आपको देखने को मिलेगा, बिग बास्केट। बिग बास्केट के पीछे है टाटा, जिस वजह से टाटा इसको काफी आगे ले जाना चाहता है। आप देखेंगे कि जियो भी आने वाले टाइम में कुछ बड़ी कंपनियों को खरीदेगा और वो बड़ा मार्केट शेयर हासिल करने में सफल हो जाएगा। तो आपको देखेंगे आने वाले टाइम में इस बड़े मार्केट में टाटा और यहाँ पे अंबानी की ही मोनोपोली हो सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती है, आप अपने शहर के किंग तो कभी भी बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने सिटी में अगर ग्रोसरी डिलीवरी करते हैं तो आप अपने सिटी को इन बड़े प्लेयर से ज्यादा बेटर समझते हैं। तो ये मेरा सजेशन है कि आप भी अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू करिए, और अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है बहुत सालों पुराना तो आप उस मार्केट को पूरी तरीके से चेंज करिए और आप खुद ऑनलाइन लेके अपने प्लेटफॉर्म को आइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।